सो है गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपने वीडियोस की बैकग्राउंड को ब्लर कैसे कर सकते हो, वो भी अपने कैपकट के अंदर, जो कि यार काफ़ी इजी है, जस्ट आप वन या टू स्टेप में कर सकते हो। तो उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, बिना स्किप करें, क्योंकि यार वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस इसके सबसे पहले आपने अपने कैप कार्ड को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास कैप कार्ड ऐप नहीं है तो आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा। सो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस ओपन होते हैं आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस नजर आएगा। तो सबसे पहले आपको ऊपर मिलेगा न्यू प्रोजेक्ट, तो आपको न्यू प्रोजेक्ट पर टाइप कर देना है एंड यहाँ से अपने वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आपने एडिटिंग करना चाहते हो। तो मैं अपना वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो हमारा वीडियो यहाँ पर आ चुका है। सो गाइस अभी आप देख सकते हो अभी यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर नहीं है। सो गाइस सबसे पहले आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एफर्ट्स, तो ये रहा एफर्ट्स, तो आपको एफर्ट्स पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपने वीडियो एफर्ट पर क्लिक कर देना है एंड आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग के आगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बेसिक, तो आपको बेसिक पर क्लिक कर देना है एंड आपको यहाँ पर बहुत सारा इफेक्ट मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ही आपको मिलेगा ब्लर, तो ये रहा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नंबर पर आपको मिलेगा ब्लर, तो आपको ब्लर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से एंड यहाँ से आपने इसको दोबारा एक बार क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपने ब्लर के जो अमाउंट है अपने हिसाब से रखना है, जितना आप बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हैं उतना रख देना है। सो मैं यहाँ से आई थिंक 50% रख देता हूँ एंड यहाँ से आपने डन कर देना है। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लर कुछ इस टाइप से लग चुका है। सो इसके बाद आपको इस ब्लर को पूरे वीडियो पर अप्लाई कर देना है कुछ इस टाइप से खींच के एंड लास्ट में आपको एक वाटर मार्क मिलेगा कैपकट की तरफ से, तो इसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे से एक बार बैक कर देना है। सो स्टार्टिंग में आने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ओवरले, तो ये रहा ओवरले, तो आपको ओवरले पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपने एट ओवरले पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपने वीडियो को फिर से सिलेक्ट कर लेना है जो अभी आपने सिलेक्ट किया हुआ था। तो मैं यहाँ से उसको दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो हमारा वीडियो यहाँ पर आ चुका है। ऐसा से पहले आपको इस वीडियो को यहाँ से आपने टू फिंगर की मदद से आपने वीडियो की बराबर कर देना है। सो यहाँ से कर लेता हूँ। सो आई थिंक इतना सही है। सो आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कटआउट, तो आपको कटआउट पर क्लिक कर देना है एंड आपको यहाँ पर मिलेगा रिमूव बैकग्राउंड, तो आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। सो यहाँ से आपकी बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा एंड इसके बाद आपको यहाँ पर बैक कर देना है एंड यहाँ से आपको फिर से बैक कर देना है एंड यहाँ से आपने फिर से बैक कर देना है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है एंड इसके बाद आप अपने नीचे वाले वीडियो पर एक बार क्लिक कर देना है एंड इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देना है, जो पीछे वाले वीडियो से थोड़ा सा बड़ा कर देना है, तो उसके बाद आपका वीडियो काफ़ी अच्छा होगा। सो मैं ऐसा करता हूँ। सो आई थिंक ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, थोड़ा सा आपने बड़ा कर देना है। सो आई थिंक यहाँ पर सेट हो चुका है। सो अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ से। सो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने वीडियोस की बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो। सो इसके बाद इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको एक एरो मिलेगा ऊपर, तो आपने इस एरो पे क्लिक कर देना है। सो ये सेव हो जाएगा आपकी गैलरी में। सो गाइस आज के लिए बस यही तक, मिलते हैं यार किसी नेक्स्ट वीडियो में।